हेलो फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता हो या संडे ब्रंच, आज हम जो रेसिपी बना के लाए हैं बहुत झटपट बनेगी फ्रेंड्स, और आपके वीकेंड ब्रंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए लाजवाब है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू की सब्ज़ी और सूजी की पूरियां, फूली फूली, बिल्कुल भटूरा स्टाइल में। ये देखिए कितनी फूली फूली ज़बरदस्त हमारी पूरियां तैयार हुई हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। एक प्रेशर कुकर में 2 चम्मच हम तेल डालेंगे और उसका कुछ नहीं करेंगे, अभी हमने हीट पे नहीं चढ़ाया। डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल रहे होंगे, और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और ज़ीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, चॉप की हुई थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च 1, और अपने जायके के हिसाब से हरी मिर्च ज़्यादा कम कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने लिए हैं और नमक। सभी चीज़ों को मिला करके अब हम मीडियम फ्लेम पे रखते हैं प्रेशर कुकर को और इसी तरह भूनते हैं। तो हमें थोड़ी देर तक भून लेना ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। अब हम पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 कप। तो हमें ना काटना, ना पीसना, ना चॉप करना, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें। तो डायरेक्टली हमने प्रेशर कुकर में सब कुछ डाल दिया है। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक हमारी सब्जियां यानी कि आलू वगैरह गल रहे हैं, हम कर लेते हैं कुछ और काम। चलिए अब इसे पकने के लिए छोड़ते हैं। इधर हम तैयार कर लेंगे पूरियों के लिए आटा। तो हमने 1/2 कप बिल्कुल फाइन वाला सूजी लिया है। फाइन सूजी नहीं हो तो आप सूजी को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, फाइन हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और साथ ही हमने 1 कप ले लिया है गेहूं का आटा। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे। अब ये है सूखे हुए पुदीना की पत्तियाँ। तो जब फ्रेश पुदीना की पत्तियाँ नहीं मिलती हैं तो मैं सूखे हुए ही पुदीना यूज़ करती हूँ, और मैं इसे प्रिजर्व कर लेती हूँ सुखा करके साय में। तो पुदीना डालूँगी और 1 टीस्पून डाल दूंगी अजवाइन, 1/2 चम्मच बना रही हूँ तो कलौंजी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है पूरियों में, तो मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच कलौंजी यानी के मंगरेल, और 2 छोटे चम्मच हम डाल देंगे ऑयल के। अब हम इसे एक आटा लगा लेना है, यानी कि चपाती वगैरह का जो आटा बनाते हैं तो उसे थोड़ा सा हार्ड रखना है, यानी कि सेमी सॉफ्ट हमें बनाना है डो हमारा। थोड़ा सा हार्ड रखने से ना पूरियाँ थोड़ा अच्छे से बिल जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हम सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं आप हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और हमें बड़ी खुशी होती है हमारे व्यूवर्स हमें कहाँ से देख रहे हैं ये जान करके। तो ये लीजिए आटा तैयार हो चुका है, बहुत प्यारा सा हमने गूंधा आटा। अब थोड़ा सा ऑयल से कोट कर देते हैं और इसे 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। चलिए 20 मिनट के लिए रेस्ट पे डाला इसे हमने आटे को। अब इधर देख लेते हैं हमारी करी। तो 3 से 4 मिनट में आलू बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखिए हमारे इसे लैडर से ही ये टूट गए। अब जो टमाटर के स्किन थे ना, हम उसे हटा देंगे, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि स्किन को बहुत हटाया जाए, रहेगा भी तो चलेगा, लेकिन थोड़ा कभी कभी मुंह में आ जाता है, इसलिए हमने टमाटर के स्किन को हटा लिया है। और आलूओं को हमने तोड़ लिया है तो थोड़े से टुकड़े हमने छोटे रखे हैं, थोड़े से बड़े रखे हैं, और इसी तरह भून लेते हैं। और उसके बाद हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी का, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर देगा। और 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे हम लेमन जूस, 1 बड़ा चम्मच घी का ऐड करेंगे, क्योंकि शुरू में हमने ना ऑयल डाला था 2 चम्मच। और अब हम थोड़ा पानी मिलाएंगे, अपनी ग्रेवी को एडजस्ट करेंगे। तो क्या कंसिस्टेंसी रखनी है वो हमें देख लेना है। तो थोड़ा सा पानी डाल के हमें यहाँ पे कुक करना है। अब थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर लेंगे। तो ये लीजिए धनिया की पत्ती हमने डाल दिया है, और अब हम इसे 2 मिनट कुक करेंगे। और ये देखिए प्रेशर हमें नहीं देना है तो इसलिए हमने वेंट वेट को हटा दिया है। 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक कर देंगे और उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। इधर पूरियों का आटा भी देख लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं तो बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। ये देखिए कितना स्मूथ दिख रहा है हमारा डो। तो इसी तरह हम लोई काट लेते हैं। जो नॉर्मल पूरियाँ बनाते हैं उससे मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है लोई, और अब मैं इसे बेलूँगी।
तो मैंने ना आज थोड़ा सा ओवल शेप दिया है अपनी पूरियों को, तो ये लीजिए, ये हल्का सा ट्विस्ट है जो कि आपको पसंद आएगा और आपके संडे ब्रंच में वाव मज़ा ही आ जाएगा। तो ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म होने देते हैं क्योंकि हॉट ऑयल में पूरियाँ बहुत अच्छी तरह से फूलती हैं। ये देखिए पूरी हमारी फूल के कुप्पा हो चुके हैं, बहुत प्यारा शानदार सा कलर आया है, बिल्कुल सुनहरा। ये देखिए मैंने इसे निकाला तो ये फुटबॉल की तरह बिल्कुल हो गई है। ये देखिए कितनी फ्लफी पूरी है, कितनी प्यारी। इधर हमारी सब्ज़ी भी तैयार है, तो बस 5 मिनट में हमारी ये सब्ज़ी आलू की बनी। आपने देखा कितना सिंपल, कितना इजी और कितना जल्दी और कितना मज़ेदार हमारा ये ब्रेकफास्ट या ब्रंच तैयार हुआ है। तो ये लीजिए हमने इसे सर्व भी कर दिया पूरियाँ। ये देखिए फूल फूल के कुप्पा हो रही हैं बिल्कुल फुटबॉल की तरह, और देखने ही से मज़ा आ रहा है आपका। इसके टेस्ट को तो पूछिए मत, लाजवाब। तो फ्रेंड्स ऐसी रेसिपी मैं लाती रहती हूँ, आसान मज़ेदार हेल्दी। तो हमारी सूजी पूरी और आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है, और अंदर से देखिए इसका टेक्सचर पूरियों का लाजवाब है। वाकई यकीन नहीं आएगा कि इतनी जल्दी भी कोई कॉम्बो रेसिपी बनके तैयार हो सकती है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरियों की शक्ल आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और करी का तो जवाब नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।